आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, मनुष्य के जीवन के तीन आधार हैं। कौन कौन से? कि पहला वायु, दूसरा जल और तीसरा अन्न। तो शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए हम वृक्षों को लगाते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार से हम जल का संरक्षण करने के लिए या जल का उपयोग करने के लिए ट्यूबवेल, कुएं, तालाब बनाते हैं और नदियों के जल को भी शुद्ध रखने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हम वृक्ष लगाते हैं तो आसमान से जल बरसता है, और जो जल बरसता है, जैसा कि हमने बताया है, कि उसे हम तालाब, कुआं या ट्यूबवेल में संरक्षित करते हैं। अब इन दोनों के द्वारा ही हमारे खेतों में सुंदर फसल के रूप में धान, गेहूं, ज्वार अथवा मक्का या और जो भी खाद्यान्न हैं वो हम सब उत्पन्न करते हैं। आज हम अपने दर्शकों को लेकर के आए हैं एक बड़े ही सुंदर जलाशय के पास में। यहाँ का जो नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदर वातावरण है, जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ये विंध्य पर्वतमालाओं की जो सुंदरता है वो आपका मन मोह लेगी। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं आज दाहोद जलाशय की। ये दाहोद जलाशय बाघिन नाम की नदी, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, यहाँ पर दाहोद के पास में इस बाघिन नाम की नदी के जल को संग्रहित किया है। यहाँ का वातावरण बड़ा ही सुंदर है। देखिए कितना मनोहर है यहाँ का वातावरण, और यह जगह बड़ी ही सुंदर है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो जो जलाशय है उसका भी आनंद लेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ के एक दिव्य तीर्थ स्थान है, वहाँ की भी यात्रा आप लोगों को करवाएंगे। तो चलिए अब हम आगे आपको इस संपूर्ण जलाशय के दर्शन करवाते हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण है और बड़े ही विस्तृत क्षेत्र में यह जलाशय फैला हुआ है। सुंदर जलराशि यहाँ पर संग्रहित होती है। इसी जलराशि से दाहोद और उसके आसपास के जो गांव हैं उन किसानों के खेतों की प्यास यही दाहोद जलाशय के द्वारा बुझाई जाती है। इतना ही नहीं, यह जलाशय जो पास में ही मंडी द्वीप नाम का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों की और नगर निवासियों के कंठ की प्यास भी यही जलाशय बुझाता है, या ऐसा कहें कि यह दाहोद जलाशय
इस क्षेत्र का जीवन आधार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर्यटक आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं, परंतु आने वाले पर्यटकों से हमारा अनुरोध है कि वे इस जल राशि का आनंद दूर से ही लें, क्योंकि यह जो जलाशय बना हुआ है यह जंगल में और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, इसीलिए जो जल जंतु हैं वो इस जलाशय में होने की संभावना रहती है, इसीलिए इसका आनंद तो लें परंतु पास में ना जाएं। तो देखिए कैसा सुंदर वातावरण है, ऐसा लगता है कि भगवान ने सारी सुंदरता उतार करके और इस जलाशय के पास में रख दी हो। कहीं इसके किनारों पर सागौन के, महुआ के और अचार के वृक्ष हैं, कहीं तेंदू के वृक्ष हैं और कहीं पर साल, शीशम, इमली इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के जो जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष हैं वे सब इस तालाब के आसपास हैं। ऐसा लगता है कि ये सभी वृक्ष एक प्रहरी बन कर के, पहरेदार बन कर के और इस तालाब की पहरेदारी कर रहे। यह वह स्थान है जब इस जलाशय में जरूरत से ज़्यादा जल भर जाता है तो इस स्थान से वो अतिरिक्त जल निकाल दिया जाता है, इसको बोलचाल की भाषा में फेंक कहते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर यह 11 गेट लगे हुए हैं, इसमें बड़ा ही मनोरम स्थान है। जो भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे यह स्थान उनका मन मोह लेगा। प्रकृति का ऐसा सुंदर वातावरण आपको कहीं और दूसरी जगह दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगता है कि इस विंध्याचल पर्वत की जो पर्वतमाला है इसे भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है। यह वह स्थान है जहाँ से कि किसानों के लिए पानी का प्रदाय किया जाता है, यानी इसी स्थान से किसानों के खेतों में सिंचाई करने के लिए नहर निकाली गई है। इस स्थान को मोरी द्वार भी कहा जाता है। यह देखिए यहाँ से बिल्कुल ये सीध में नहर निकाली गई है जो सुदूर खेतों में जाकर के और किसानों के खेतों की प्यास बुझाती है। जिस स्थान का हमने पहले वर्णन किया था कि एक तीर्थ स्थान भी यहाँ पर है, इस जगह को कहते हैं श्री कोतली खेड़ा हनुमान मंदिर। बड़ी अच्छी जगह है परंतु यह जगह जंगल में है, इसीलिए जो भी पर्यटक कभी यहाँ पर आए तो किसी स्थानीय व्यक्ति की मदद से ही यहाँ आए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ का जो वातावरण है इस स्थान का वो किसी आश्रम से कम नहीं है, और जो यहाँ के साधक धर्म प्रेमी बंधु हैं उन्होंने बड़े ही सुंदर सुंदर यहाँ पर
वृक्ष और पौधे लगाए हैं, जैसे ये कनेर का पौधा है और भगवान की पूजन में यह मुख्य रूप से लिया जाता है। शमी का वृक्ष है, भगवान शंकर की और शनि की जब हम पूजन करते हैं तो शमी पत्र की बड़ी ही आवश्यकता हमें पड़ती है। यहाँ पर व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी है। देखिए, तालाब के किनारे पर जहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर के पास में भक्तों ने ये पक्का घाट बना दिया है। यहाँ पर लोग अपनी सुविधानुसार स्नान ध्यान इत्यादि करते हैं, परंतु जो भी दर्शक हमारे इस भाग को देख रहे हैं उससे हमारा अनुरोध है कि जब भी कभी आप इस जगह की यात्रा करें, क्योंकि इस विशाल समुद्र जैसे जलाशय में पानी की अधिकता है और यहाँ के तालाबों में मगरमच्छ इत्यादि जलजीवों के निवास होने का सदैव विश्वास बना रहता है। इसीलिए जो भी दर्शक यहाँ पर दर्शन करने आए या पर्यटक पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर आए, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वे जल से दूर रहें, जलाशय का आनंद दूर से ही लें। देखिए, यह स्थान ऐसा है कि आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ पर आते ही रहते हैं और हनुमान जी का दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ऐसे ही एक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका परिचय लेते हैं। जी भगवान जी, अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। शुभम ठाकरे। शुभम जी ठाकरे जी, कहाँ से आए हैं आप? मंडीदीप। यहाँ से कितना दूर है मंडीदीप? यहाँ से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है। अच्छा, आप लगभग लगभग यहाँ आते रहते हैं? मतलब कभी काल छुट्टी पे आते ही रहते हैं। आते रहते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है जी, पहाड़ी वाला जगह है जी, आसपास का क्षेत्र अच्छा है, यहाँ का मंदिर भी है जी, व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ की जी जी। बाकी परिवार के साथ में, दोस्तों यारों के साथ में आप आ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यह मतलब ये स्थान ऐसा है कि यदि हम कोई मांगलिक कार्य करें या मान लो सामाजिक कार्य करें तो उसके लिए यह स्थान बेहतर स्थान है। बेहतर है जी। बहुत कुछ दर्शक यहाँ पर आते हैं। देखिए, कुछ दर्शक यहाँ थक गए होंगे तो बैठ करके आराम कर रहे हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के पश्चात भगवान के दर्शन करने की तैयारी में है। ये देखिए, ये सभी दर्शक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिए, अब आपको दर्शन कराते हैं उन भगवान हनुमान जी के जो यहाँ पर विराजे हुए हैं। देखिए, प्रत्येक मंदिर में ब्रह्म वृक्ष पीपल का होना बहुत आवश्यक होता है और यहाँ के जो निवासी हैं बड़े ही धर्म प्राण हैं। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी विराजमान हैं, उनके ऊपर जलधार चल रही है, नंदीश्वर है पास में, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक दिव्य ज्योति जल रही है पिछले कई वर्षों से। और एक और बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, जो फल देख रहे हैं आप, ये फल बहुत से लोगों ने नहीं देखे होंगे। इसे बताने के पीछे हमारा मुख्य कारण है कि हमारी भारतीय वनस्पति के बारे में भी लोग जाने। इसको करौंदा कहते हैं और यह खाने में बड़ा ही पौष्टिक होता है। तो चलिए, अब हम आपको उस दिव्य ज्योति के दर्शन करवा रहे हैं। जय श्री सीताराम जी की। यह है गुरुदेव का धूना। संत जहां भी होते हैं वहां पर उनकी ज्ञान धुनी हर हमेशा प्रज्वलित रहती है और यह वह दिव्य ज्योति है जो यहाँ पर जल रही है। बंधुओं, यह कोई यहाँ स्थाई आय का स्रोत नहीं है। जो भक्त लोग दे देते हैं
उसी से व्यवस्थाएं चलती है। यदि कोई साधक, कोई श्रद्धालु माता रानी की ज्योत जलाने चाहे या सीताराम जी की ज्योति जलाना चाहे तो वे भी आकर के और यहाँ पर महाराज श्री से संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम से जो भी आप देंगे वह ईश्वर को समर्पित करते हुए महाराज जी इस ज्योत को प्रज्वलित रखेंगे। यहाँ पर माता भवानी विराजमान है। माता रानी अपने भक्तों को क्या कुछ नहीं देती, प्रेम से भक्त जो भी मांगता है माता रानी उसे सब कुछ दे देती है। यहाँ के जो संत जी हैं वो हमें दर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महाराज जी जय सियाराम जी की, आपकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। अब हम हनुमान जी दादाजी के उन दिव्य श्री विग्रह के दर्शन आपको करा रहे हैं। कहते हैं इस स्थान पे जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अरे हमने तो ऐसा भी सुना है यहाँ के जो भक्त हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं उन्होंने हमें तो ऐसा भी बताया है कि यहाँ आकर के भक्त जो भी मनोकामना करता है दादाजी महाराज की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। चलिए मन में हमारे आया कि महाराज जी भी दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए अवश्य कहें। भगवान जी थोड़ा सा ऐसा बताने का कष्ट करें कि यह जो दिव्य ज्योति है ये कितने वर्षों से प्रज्वलित है यहाँ पर? यहाँ पे नहीं, मेरी ज्योति चलती आई है। अच्छा चलती आई है, चल के आई है, यहाँ की जाकर भक्तों होने ला के बिठाया है। अच्छा, और ये तो कहाँ से चल के आई है भगवान? ये ओंकारेश्वर से, ओंकारेश्वर से नर्मदा तट पूरा घूम के आई। अच्छा, पूरा नर्मदा परिक्रमा करके और जी। फिर अमर कंठकम पधारेंगे। अच्छा फिर जाएंगे आप? तो देखिए महाराज जी की साधना कितनी कठिन है। ये ज्योति जो है ये महाराज जी अपने साथ में सदैव रखते हैं। ओंकारेश्वर से दिव्य ज्योति को प्रज्वलित कर महाराज जी ने संपूर्ण माता नर्मदा की परिक्रमा करके और यहाँ पर ला करके इस दिव्य ज्योति को स्थापित किया। महाराज जी का कहना ऐसा है कि अब पुनः ओंकारेश्वर की यात्रा करने जाएंगे तो साथ में यह जो दिव्य ज्योति है उसे लेकर के ही जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे हरिद्वार। प्रिय बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो अपने एक या दो इष्ट मित्रों को अवश्य भेजें और अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि जैसे विचार आपके हमें प्राप्त होंगे उसी से संबंधित विषय वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम।